नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभजोत और आप देख रहे हैं A2IT YouTube चैनल। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस नए ट्यूटोरियल में, जिसमें हम बात करेंगे कुछ नई कमांड्स की, जिसकी हेल्प से आप किसी भी फाइल और फोल्डर को कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और रीनेम भी कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ और कमांड्स हैं जिनके बारे में मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सबसे पहले मैं कर लेता हूं टर्मिनल को ओपन और यहां पे मैं चेक करता हूं कि फिलहाल मेरी इस डायरेक्टरी में कौन कौन से फोल्डर अवेलेबल है। तो यहां पे मेरे पास डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट डाउनलोड्स करके कुछ फोल्डर्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट के फोल्डर में चला जाता हूं और यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। और जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास अभी डॉक्यूमेंट में कोई भी फाइल या फोल्डर अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और कुछ फाइल्स क्रिएट कर लेता हूँ जिसको हम मूव करके चेक करेंगे। तो चलिए, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कुछ फाइल्स क्रिएट कर लिया और एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कैसे एक फाइल को कॉपी कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ कि जो मेरे पास यहाँ पे एक फाइल वन करके फाइल क्रिएटेड है, इसको मैं करना चाहता हूँ कॉपी फोल्डर वन में भी। सबसे पहले मैं आपको फोल्डर वन को ओपन करके दिखा देता हूँ। और जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अभी एम्प्टी है। तो हम एक बार फाइल मैनेजर में भी चेक कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पे मैंने कुछ फाइल्स और फोल्डर क्रिएट किया है और यहाँ पे फोल्डर अभी एम्प्टी है। तो अभी हम मूव करेंगे हमारी एफ फाइल वन को इस फोल्डर में। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा सीपी कमांड। सीपी कमांड को यूज करके आप किसी भी फाइल और किसी भी पर्टिकुलर फोल्डर को कॉपी कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले उसका पाथ डिफाइन करूंगा। जैसे हम विंडोज के सिस्टम जब यूज करते हैं तो हम डायरेक्टली कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके कमांड्स को यूज करके हम फाइल्स को मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रेड हैट लाइनक्स में ऐसा करना चाहे तो आपको टर्मिनल में उसका एग्जैक्ट पाथ बताना पड़ेगा कि कहाँ पर आपकी फाइल लोकेट करती है और कहाँ पर आप उसको पहुंचाना चाहते हो। तो सबसे पहले मैं इसकी लोकेशन लिख देता हूँ। और डॉक्यूमेंट्स में ये फाइल वन के नाम से सेव है स्पेस, और यहाँ पे मुझे इसका डेस्टिनेशन एड्रेस लिखना है, वो भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा, होम A2IT मेरा यूजर है, और देन डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स में फोल्डर वन एंटर। और जैसा आप यहाँ पे बैक साइड पे भी देख सकते हैं कि हमारे फोल्डर वन में जो फाइल वन करके यहाँ पे एक फाइल बाहर अवेलेबल है वो यहाँ पे कॉपी हो चुकी है। सो चलिए अब हम देखते हैं कि हम कैसे किसी भी फाइल को मूव कर सकते हैं। सो उसके लिए कमांड यूज होती है MV। तो MV की हेल्प से, MV में एक्चुअली आप मल्टीपल फंक्शंस के लिए यूज कर सकते हैं MV। तो सबसे पहले मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ कि कैसे हम MV की हेल्प से किसी फाइल को मूव कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में एक फाइल 1, 2, 3 और 4 एंड लास्ट वन 5। तो हमारे यहाँ 5 फाइल्स अवेलेबल हैं। तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ कि फाइल वन को मैंने कॉपी कर लिया है, मैं फाइल टू को मूव कर देता हूँ दोबारा से फोल्डर वन में। तो इसके लिए भी मुझे दोबारा से इसका पहले एड्रेस लिखना होगा यहाँ पे ये लोकेट करती है, और फाइल का नेम फाइल टू स्पेस, और मेरे को दोबारा से एड्रेस लिखना होगा जहां पे मैं उसको कॉपी सॉरी मूव करना चाहता हूं। एंटर। सो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं कि हमारी फाइल टू करके यहाँ पे एक फाइल और आ चुकी है। अब हम चेक करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास कौन कौन सी फाइल अवेलेबल है। यहाँ पे हमारे पास फाइल 1, 3, 4 एंड 5 अवेलेबल है। जो यहाँ पे 2 नाम की फाइल एग्जिस्ट करती थी वो हमने मूव कर दिया फोल्डर के अंदर। तो मैं बात कर रहा था MV कमांड की। तो MV कमांड से एक तो हम फाइल को मूव कर सकते हैं, सेकेंडली हम उसका नेम भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए मुझे पहले डायरेक्टरी में जाना होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि मैं अभी फोल्डर वन में हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि फोल्डर वन में मेरे पास यहाँ पे 2 फाइल्स अवेलेबल है, फाइल 1 और फाइल 2 करके।
और मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो फाइल वन है उसका मैं नाम चेंज कर दूं, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे लिख सकता हूं mv स्पेस इस फाइल का नेम प्लस यहां पे मुझे एक नया नाम देने है, जैसे कि मैं यूज कर लेता हूं टेक्स्ट और एंटर। और अगर मैं यहां पे ls लगा के चेक करूं तो मेरे पास अब यहां पे फाइल टू और टेक्स्ट करके दो फाइल्स अवेलेबल है। अगर आप बाहर यहां पे फोल्डर में भी देखें तो यहां पे फोल्डर में भी एक फाइल टू और टेक्स्ट करके फाइल्स अवेलेबल है। तो ये तो होगी फाइल्स की बात, अब हम देखते हैं कि हम कैसे एक फोल्डर को मूव कर सकते हैं किसी और फोल्डर में। तो जैसा मैं आपको बैक करके दिखा देता हूं, यहां पे हमारा ये एक फोल्डर वन डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है और मैं चाहता हूं कि मैं उसको मूव कर दूं डेस्कटॉप में। यहां पे मेरे पास एक फाइल वन और एक जेपीजी इमेज है, तो मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो वो फोल्डर मैंने वन क्रिएट किया है डॉक्यूमेंट में वो यहां पे मूव हो जाए। तो मैं उसके लिए भी सेम मूव कमांड ही यूज करूंगा। और यहां पे अब मुझे डेस्टिनेशन एड्रेस लिखना है, तो मैं इसमें ऑलमोस्ट एड्रेस मेरा सेम ही रहने वाला है, बस यहां पे डॉक्यूमेंट्स है वहां पे आ जाएगा डेस्कटॉप, दैट्स इट। और जैसा आप यहां पे देख सकते हैं कि मैंने एमवी की हेल्प से यहां पे मैंने सब फर्स्ट ऑफ ऑल एड्रेस लिखा जहां पे मेरा वो फोल्डर वन एग्जिस्ट करता है और स्पेस के बाद मैंने फिर डेस्टिनेशन फिर एड्रेस लिखा जहां पे मुझे उसको मूव करना है। तो अब मैं जाता हूं सबसे पहले मेन डायरेक्टरी में, और जैसा कि आपको पता होगा कि आप अगर सिर्फ सीडी कमांड लिख के एंटर करते हो तो आप डायरेक्ट डायरेक्टरी में एंटर हो जाते हो। तो यहां पे मेरे पास जो फोल्डर्स अवेलेबल है मैं जाता हूं डेस्कटॉप में और यहां पे मैं चेक करता हूं। तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे मेरे पास फोल्डर वन करके एक फोल्डर मूव हो चुका है, और आपको यहां बैक साइड पे भी देख रहा होगा फाइल मैनेजर में भी यहां पे एक फोल्डर वन करके एक नया फोल्डर यहां पे आ चुका है जिसमें हमने दो फाइल्स को मूव किया था। इसके अलावा अगर आप चाहें तो जैसा मेरे पास फोल्डर वन में टू फाइल्स अवेलेबल है, तो मैं चाहता हूं कि जो फाइल टू में मैं कोई डेटा एंटर कर देता हूं और मैं चाहता हूं कि उस पर्टिकुलर डेटा को मैं टेक्स्ट फाइल में शिफ्ट कर दूं। जैसा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा देता हूं, दोनों फाइल्स अभी एम्प्टी हैं, ये टेक्स्ट फाइल है टेक्स्ट नेम की फाइल और ये हमारी फाइल टू, तो फिलहाल दोनों फाइल्स हमारी एम्प्टी हैं। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करता हूं कि मेरी जो फाइल टू है उसमें कुछ डेटा एंट्री कर देता हूं, देन फिर हम उसको शिफ्ट करके देखेंगे टेक्स्ट फाइल में। सॉरी फॉर द ग्लिच गाइस। सो हम बात कर रहे थे हम कैसे फाइल टू से डेटा को मूव कर सकते हैं टेक्स्ट में भी। तो चलिए सबसे पहले मैं दोबारा से इनको ओपन कर लेता हूं। तो जैसा आप यहां पे देख सकते हैं कि हमारी जो टेक्स्ट करके जो मेरे पास फाइल है वो एम्प्टी है और फाइल टू में मेरे पास कुछ डेटा एंटर हो रखा है, तो मैं चाहता हूं कि फाइल टू का डेटा मैं टेक्स्ट में भी कॉपी कर पाऊं। तो मैं उसके लिए सिंपल एक कमांड अप्लाई करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना पड़ेगा कि आप किस डायरेक्टरी में हो, अगर जैसे आप यहां पे देख सकते हो कि मैं अभी फोल्डर में ही हूं, अगर आप किसी और डायरेक्टरी में ओपन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में शिफ्ट होना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्टली अभी कमांड लगा सकता हूं कैट, जैसा कि आपने मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में देखा, तो हम कैट की कमांड से किसी भी टेक्स्ट फाइल में कोई भी डेटा एंटर कर सकते हैं। तो हम इसी कमांड को यूज करके किसी एक टेक्स्ट फाइल से डेटा मूव भी कर सकते हैं दूसरी टेक्स्ट फाइल में। तो जैसा कि मैं यहाँ पे फर्स्ट टेक्स्ट फाइल का नाम लिख देता हूँ जिसमें मेरे पास डेटा है, देन ग्रेटर देन और उसके बाद सेकेंड फाइल का नेम, जस्ट एंटर। और इससे हमारा जो डेटा फाइल टू में अवेलेबल था वो टेक्स्ट नाम की फाइल में भी कॉपी हो जाएगा। तो जैसा मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल टू को ओपन कर लेता हूँ और साथ में ही कर लेता हूं ओपन टेक्स्ट फाइल को। तो जैसा आप यहां पे देख सकते हैं कि हमारे पास हमारे दोनों फाइल्स ओपन है और दोनों में सेम डेटा अवेलेबल है। तो इस तरह से आप किसी भी एक पर्टिकुलर फाइल का डेटा दूसरी फाइल में ट्रांसफर कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं कुछ और कमांड्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ps कमांड की। सो ps कमांड की हेल्प से आप अपने सिस्टम के जितने भी प्रोसेसेस बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं आप उनको चेक कर सकते हैं। तो जैसे मैं ps लगा के एंटर कर देता हूं तो यहां पे मेरे पास सिर्फ दो ही प्रोसेसेस चल रहे हैं अभी फिलहाल, क्योंकि मैंने कोई भी और एडिशनल प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर रखा, मैंने सिर्फ टर्मिनल को ओपन किया हुआ है, तो इसलिए मेरे यहां पे सिर्फ दो प्रोसेसेस ही शो कर रहा है। इसके अलावा एक और कमांड के बारे में बताता हूं मैं आपको जिसका नाम है मैन।
तो मैन बेसिकली एक डिटेल कमांड है जिसकी हेल्प से हम किसी भी कमांड के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। तो मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा मैन स्पेस ls, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे को ls के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो सिंपली मैं एंटर करता हूँ और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसका नेम आ गया है, लिस्ट डायरेक्टरी कॉन्टेंट, और उसके अलावा बाकी सारी डिस्क्रिप्शन आ गई है ls कमांड के बारे में, और इसने कुछ कमांड्स भी सजेस्ट किए हैं जिनको आप यूज कर सकते हो ls कमांड के साथ। तो हमारे यहाँ पे जितने भी ls के साथ हम कमांड्स लगा सकते हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो इस तरह से आप किसी भी कमांड के बारे में डिटेल में जानना चाहें तो मैन कमांड की हेल्प से आप जान सकते हैं। तो मैं सिंपली क्यू दबा के क्विट करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कुछ नई कमांड्स के साथ। शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें।